हेलो, मैं आशीष तिवारी स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल सीमेंट पे। तो अभी झलवा मेरा पेपर था एसएससी एमटीएस का, यहाँ पे देख सकते हैं यही सेंटर था झलवा में ज्ञान उदय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। तो मेरा एमटीएस का पेपर सही गया है, अटेम्प्ट जो है मेरे 89 है और मैं आपको यहाँ पे एक से डेढ़ मिनट में सारी अपडेट इस चैनल पे दी जाती है और आज भी हम एक से डेढ़ मिनट में सारे एनालिसिस देखेंगे। आज के पेपर का जो थर्ड शिफ्ट था उसमें रीजनिंग से बात करें तो रीजनिंग में जो फंसने वाले क्वेश्चंस थे वो अगर आप पढ़ना है तो सिर्फ आप सीटिंग अरेंजमेंट पढ़िए और जो क्रम वाला होता है जैसे टी एस से लंबा है लेकिन पी से छोटा है ये वाला है। अरेंजमेंट में जो था वो केंद्र की ओर मतलब मुख करके बैठे हैं और एक उत्तर दिशा में मुख करके बैठे हैं, ये तीन टाइप के क्वेश्चंस आपको करने वाले थे। बाकी सारे जो क्वेश्चंस थे वो इजीली कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल वैसे सेट हो जा रहा है, नंबर सीरीज भी एज इट इज सेट हो जा रहा है, सारी चीज़ें एज इट इज सेट हो जाए थी। सिलॉक्स आप पढ़ लीजिएगा, दो क्वेश्चन आए थे। उसके बाद हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में एक क्वेश्चन जो था वो स्पीड एंड बोट से था, बोट एंड स्ट्रीम से, उसमें जो था वो थोड़ा फंसाऊ क्वेश्चन था, वो थोड़ा कैलकुलेटिव था, ठीक है। बाकी जो बात करें मेंसुरेशन में तो एक वर्ग का परिमाप और जो वृत्त का जो सर्कमफेरेंस होता है वो बराबर है, त्रिज्या अगर धनात्मक है तो चार ऑप्शन दिए थे कौन सा सही था। एक जो था आयत से क्वेश्चन था बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड था, ये सारे क्वेश्चन थे। बाकी मैथ में कोई क्वेश्चन ऐसा फंसाऊ नहीं था, एक थोड़ा सीआई का क्वेश्चन अच्छा था और एक जो है बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन अच्छा था। डीआई वाई सारे क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज थे और एक था ए का 30% बराबर बी है तो 50 के बी परसेंट किसके बराबर होगा, चार ऑप्शन दिए थे, ये सारी चीज़ें होगी। बात करते हैं जीके में, तो जीके में जनगणना से तीन क्वेश्चन था, एक तो केंद्र शासित प्रदेश में किसकी जनगणना सबसे ज़्यादा या कम थे ऐसे कुछ था, एक जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है ये था और ऐसे ही एक और क्वेश्चन था। तीन क्वेश्चन जनगणना से थे, पोल्ट्री से अनुच्छेद से कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा था, हिस्ट्री से पूछा था 1191 पानीपत का प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था, गौरी को किसने हराया था, तो पृथ्वीराज ने हराया था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय ऑप्शन था, ये चीज़ हो गई। बाकी साइंस से क्वेश्चन थे, ठीक है, केमिस्ट्री से आई थिंक क्वेश्चन नहीं थे, तो ये सारी चीज़ें इसमें से क्वेश्चन थे। तो सेंसस पढ़ लीजिएगा, हिस्ट्री थोड़ी बहुत, पॉलिटिक्स अनुच्छेद से क्वेश्चंस नहीं थे, ठीक है, आप वो जरूर देख के जाइएगा। बाकी करंट से कुछ खास नहीं था। इंग्लिश की बात करें तो एज इट इज दो एरर था, दो या तीन एरर था, दो सिनोनिम्स, दो एंटोनिम्स, दो इडियम्स था, एक तो रेनबो के साइड में कुछ था, एक और था ध्यान नहीं आ रहा, वन वर्ड भी आसान था, एक ऑटोबायोग्राफी का वन वर्ड आया था तो ईजिली था, क्लोज टेस्ट भी आगे रीडिंग स्किल अच्छी है तो आप इजिली कर लेंगे, कुछ ज़्यादा उसमें था नहीं। तो बाकी ओवरऑल पेपर बारे करें तो कोई ज़्यादा टफ नहीं था, अगर जीके आपकी हल्की अच्छी है तो आप अच्छा करके जाएंगे, वो भी लूसेंट अगर आपने पढ़ा, ज़्यादा कुछ इधर उधर की नहीं, लूसेंट पढ़ा है फिर भी हो जाएगा। तो ये मेरा आज का एग्जाम था, तो होप करेंगे दो से तीन मिनट में आपने अच्छी चीज़ें गेन की होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, यहाँ हर एक अपडेट बहुत जल्द शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। थैंक यू।